आप घर में भी ऐसे ही हैं या फिर बाहर निकल के बस ऐसे हो जाते हैं? घर में तो ऐसे नहीं है, लेकिन बाहर कोशिश ये रहती कि सुना ज्यादा जाए बोला कम जाए। दो अच्छा। कान दिए मुंह एक। ये तो आजकल फवाद साहब कह रहे हैं, रेशो है ना, पहले तोलो फिर बोलो। से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मैं फिर से कहूँ, एक तो ये ईद का दिन ऐसा होता है कि सहरी वाली आदत रहती है, वो पूरी रात बंदा जागता है और फिर पूरे दिन नींद भी आती, थकन भी होती, रूटीन पूरे महीने की जो चल रही होती ईद के दिन वही। और मैं अभी उसी मोड में हूँ, मैं थका हुआ हूँ। आप थके हुए हैं ना, मैं आपके पास चलती हूँ, जफर साहब के पास, आप मुझे थके हुए ऐसा लग नहीं रहे, क्योंकि जीवन के काम बहुत कर रहे हैं। रमजान में जितना काम शायद आपने किया है किसी और ने शायद ना किया हो। तो जफर साहब क्या हालात, क्योंकि आप दोनों ही माशाल्लाह काफी मतलब ऐसा रजाकार ऐसा फलाही कारकुन भी काम कर, दोनों की अच्छी तंजीमें हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। तो आप क्योंकि एक्टिव भी बहुत रहे हैं, ना सिर्फ रमजान में, इससे पहले भी रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि कोरोना के दिन है और ऊपर से रमजान आ गया, लोगों की माशी हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं है। तो रमज़ान कैसा गुजरा आम लोगों का? आम लोगों का रमज़ान तो जो पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में गुज़रा उस मुकाबले में तो बहुत ख़तरनाक गुज़रा। लोगों के दस्तरखानों पे अफ्तार में वो चीज़ें नहीं थीं। मैं 80% पाकिस्तानियों की बात करूँगा, जिस जो के नहीं है, जो अमीर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जिनके पास जिनके बच्चों के पास फ्लैट जायदादें ज़रात नहीं है, वो काम करते हैं लोगों के यहाँ या वो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें नहीं नज़र आई इस बार। मैंने 5-6 रमज़ान को भी मीडिया पे बोला था कि हम अपने आज से 4 साल भी पीछे चले जाएं तो हमें अच्छी तरह याद है। आपने तो काफ़ी जगहों पे इफ्तारी के लिए और सहर के लिए तमाम किया है, मैंने देखा ये अच्छा है। नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। ट्रू, सही कह रहे हैं। बार बार लोग मुझसे बोलते हैं कि आप आने वाले 10 सालों में अपने इदारे को कहाँ देखना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ मैं आने वाले 1 घंटे बाद अपने इदारे में अपने हाथ से ताला लगाना चाहता हूँ कि एक भी इदारा ऐसा ना हो जहाँ पे हमारी माँ बहन बेटी पे अगर बुरा वक्त आए उसको उठ के जाना पड़े, रियासत पूरी करे जिम्मेदारी। क्यों मेरी बहन कहीं जाके लाइन में लगेगी और ये यकीन दिलाएगी? इसका जवाब देंगे आलमगीर साहब। आलमगीर साहब क्यों, मतलब जाहिर सी बात है हम देखते हैं खान साहब को बार बार मगरिब की मिसाल देते हैं कि वहाँ देखें ऐसा हो रहा है, उसको एज आ रोल मॉडल पेश करते हैं वहाँ के लीडर्स को और वहाँ की मतलब जो स्ट्रेटजीज हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी है ना कि आप अपने शहरी के हकूक का तहफ़ करें, उसका ख्याल रखें। क्यों बाहर के ममालिक में मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उस तरीके से जिस तरह हमारे पास नहीं है? अभी सहूलत कार्ड या फिर एहसास प्रोग्राम का कार्ड जिसके पास नहीं है वो तो धक्के खा रहा है। और दूसरा ये कि जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, तालीम को आम करना है, बाहर ये आम है, फ्री है, हमारे पास ये नहीं है। तो ये चीज़ों को कब फॉलो किया? आइन हमारा जो है वो अगर हमारे तहफ़ की बात करता तो उसमें ये चीज़ें भी तो हैं ना, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? देखिए यकीनन एक तो ये कि चीज़ें गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में जब जाती वो सुस्त रवि का शिकार होती, जो पेस हम चाहते या इवन प्राइम मिनिस्टर साहब जो पेस चाहते अपनी गवर्नमेंट में वो पेस नहीं होती, नंबर वन। नंबर टू ये पहली बार हुआ है कि एहसास प्रोग्राम के तहत 120 अरब से ज़ायद की रकम खर्च की गई और आम आदमी तक पहुंचाई। उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, 40 से ज़ायद प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसके जरिए। वेरी सॉरी टू से मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जब गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर वो पिंडोरा बॉक्स खुलता है कि जनाब इतनी बेजाबतगियाँ हुई, इतना अपनों को नवाजा गया, कार्ड्स अपनों को दिए गए, रकम खुर्द बुर्द हो गई। अच्छा, ये पहली बार हुआ कि जिनको नवाजा गया था उन पर केसेस बनाए गए। आपको आपके इलम में होगा भी, आप मीडिया ने रिपोर्ट किया था जो ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स थी उनके नाम थे इस कैश कफालत में, उन पर FIR बनाई, उनके नाम शाया किए, डिस्क्लोज किए, मीडिया पर आए। इसी तरीके से NGO इस एहसास कफालत प्रोग्राम के ज़रिए खाना पहुंचाया जा रहा, ये जो ये शेल्टर होम्स बनाए गए मुसाफिरों के लिए या गरीब तबके के लिए, ठीक। तो ये पहली बार है कि सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट का रुझान है वहाँ उसकी तरफ फंडिंग की जा रही, लेकिन मैं फिर से कहूँ ना काफ़ी है। लेकिन जो बिगाड़ है पिछले 60 साल का वो इतना आसान नहीं है। और फिर जो रिफॉर्म्स का अमल है इस वक्त, जफर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग तकलीफ़ में हैं, उसकी वजह ये है। देखें आपने हमेशा पिछले 30 साल में एक्सपोर्ट्स पे काम नहीं किया, आपने 30 साल में एग्रीकल्चर पे काम नहीं किया, आपके पास डॉलर का आज सरमाया नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का था, आपके पास डॉलर्स नहीं थे। सिंपल बात यह, आप 48 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट करते हैं, 22 से 23 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ खड़े होंगे आप? तो ये और फिर जहाँ आप एक्सपोर्ट में कॉटन में, मैं सिर्फ एक मिसाल दूँ, कॉटन में सबसे आगे थे, वहाँ उसी सेक्टर में आपने जाके शुगर मिल्स लगाना शुरू कर। चलिए हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए सिर्फ ये कहूँ
कि ये रिफॉर्म्स का अमल है, लोगों को सहना पड़ेगा। आप वजह क्या है, हम कर्जे पे जो रेवेन्यू जनरेट करता, हमने 6,000 अरब रुपए सिर्फ पिछले कर्जों के सूद पे अदा किए, आधा रेवेन्यू कर्जे के। चलिए अल्लाह करे आपकी नीयत साफ है तो आगे चीजें बेहतर हो। ये जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर लेगी, उसके बाद हमें ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त आम आदमी जिन चीज़ों से गुजर रहा है उनसे वो नहीं गुजर रहा होगा और हालात बहुत बेहतर होंगे। डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी बात हम क्योंकि डिविएट भी कर रहे थे, एक बात मैं इनके साथ ही इस बात से रिलेटेड है इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो कहा ना कि वहाँ पे मेडिकल की जो सहूलियात है, वहाँ आप सुई भी खरीदेंगे ना तो उसका टैक्स देना पड़ता है, वहाँ बच्चे से लेके बूढ़ा तक जो है वो टैक्स देता है। बिल्कुल ठीक है, वो टैक्स बढ़ाने की लोग बातें कर भी रहे हैं, लेकिन चाहूंगा कि हम वापस ईद की जो बातें वो करें। डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी बात हम आपके बचपन की भी कर लेते हैं और डिफरेंस में यूजली पूछता होता हूँ कि डिफरेंस क्या फील होता है आपको, इससे पहले भी ईदें होती थी और अब जो ईद हो रही है इसमें आपको कैसा फ़र्क फील होता है, इससे अलावा कि पहले आप ईदी लेते थे और अब आपको देनी पड़ती है। बहुत बड़ा फ़र्क है डेफिनेटली। पहले कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, सब कुछ अच्छा होता था और सब कुछ मज़ा आता था और ये टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, फ़िक्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, और अब क्या होगा ये लफ्ज़ नहीं था। और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, अब जो है सिर्फ यही होता है कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसको कैसे करना है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये कैसे हो गया। ये बातें क्या आपके बड़ों को भी फील होती थी उस वक्त जब वो बड़े थे या फिर अब ये मामलात मुख्तलिफ हो गए हैं? देखें, जब आदमी बच्चा होता है ना तो उसको कुछ पता नहीं होता और उसको जो बड़े उसको बता रहे होते हैं ना वो सब कुछ उसको गलत लग रहा होता है कि यार मेरे वालिद मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरा चचा मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, मेरी अम्मी मुझे क्यों डांट रही है, मैं तो सही कर रहा हूँ। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, जब उसके बच्चे होते हैं, फिर उसको फील होता है कि मेरे वालिद सही कह रहे थे, मेरी माँ सही कह रही थी, उस वक्त हम उस वक्त गलत थे, तो ये बाद में पता लगता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको माहौल सिखाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आप सीखना चाहते हैं या सीख जाते हैं घर से। इसीलिए हम कहते हैं कि तालीम एक अलग चीज़ है, तरबियत बिल्कुल अलग चीज़ है। सही। जिसके पास तालीम है और अगर तरबियत नहीं है तो वो बेकार है। अच्छा, लेकिन जिसके पास तालीम भी है और तरबियत भी है तो उस पे सोने पे सुहागा। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं अभी एक चीज़ सोच रही हूँ, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, आपके चूँकि साथ ही जफर साहब तशरीफ़ फरमाए। जफर साहब, आज ईद का दिन है, हम सब इतना तैयार होके आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आपने तैयारी क्यों नहीं की। मतलब ईदी सबको बांट आए, ईदी तो सबको बांट आए, लेकिन मतलब वो या फिर आपने सोच लिया कि मैंने इसी टी शर्ट में रहना है और बस अब नहीं। असल में मसला ये है कि हम जिस लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है उनके यहाँ बच्चों ने पिछले 2-3 सालों से अब कपड़े नहीं खरीदे हैं और हम पिछले 23 रमज़ान से, इस साल भी पिछले साल हमने 4.5 लाख सूट बांटे थे, इस साल हमें उस तरह से कपड़े नहीं मिले, तो हम समझ सकते हैं इस साल दीगर इदारों को भी नहीं मिले होंगे। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि मुसलमान है और उनकी ईद है ये, और बच्चे की ईद क्या होती है कि वो उसको ईदी मिले, वो भी नमाज़ पढ़ने जाए तो नया कपड़ा पहन के जाए, तो बहुत मुश्किल में हमारे लोग, तो हम कैसे एक नया कपड़ा पहन के उसको महसूस करते हुए जैनवर हम तो झेल रहे हैं। हमारे पास औरतें आई हुई हैं रात से, चांद रात से बैठी होती हैं कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा शौहर हिम्मत हार के आ गया, मेरे 5 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मुझे इतने कपड़े चाहिए। चले अल्लाह ताला, मैं तो यही कहूँगी मुखय्यर हजरात जो हैं उनको ये तौफीक दे, मजीद तौफीक दे कि इस तरह के जो बच्चे जो कि मुंतजर हैं आपके। आज पहला दिन है ईद का, आपके पास 2 दिन है, अपने उन तमाम रिश्तेदारों के घर आपने जाना है और तोहफे लेके जाना है, कैश लेके जाना है। सही। आप अगर अपने भतीजे भांजे को 1,000 रुपए ईदी देने की इस्तेआत रखते हैं तो गरीब के बच्चे को 10,000 रुपए ईदी दें।